बच्चा क्या करने पे लग रखा है भाई, इसके साथ खेल रहे हैं आराम से। ठीक है भाई, बस इसी बात की टेंशन नहीं, कभी उसके शैतानी के चक्कर में किसी बेचारे का नुकसान ना हो जी। कहाँ सोचा था अभी आज के व्लॉग की शुरुआत आराम से घर पे बैठ के करेंगे, नहाने धोने के बाद, ऑफिस की सफाई करने के बाद जब अपन लोग ब्रेकफास्ट करेंगे तब करेंगे। बट भाई ये जो ऑफिस में छिपकलियों की प्रॉब्लम है ना, इतनी ड्रास्टिकली तो फालतू का हो, इतनी ड्रास्टिकली तो नहीं बढ़ रही, बट धीरे 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 ना बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं अपन लोगों को परेशान कर रहे हैं। और आ भी छोटी छिपकलियाँ रही हैं, जड़ी बच्ची नहीं होती छोटी छोटी सी, एंड अभी हर तरफ स्कूल टाइम चल रहा है, बच्चा क्या कर क्या रहा है भाई, तू बोला थोड़ा आगे जाके बैग डाल दे, यहाँ पे पीछे बस भी आ रही है, ना ही मैं ब्रेक लगा सकता है ऐवी फालतू में। बट चलो कोई ना, अभी तो जैसे मैं तुम लोगों को बताया अपन लोगों की ऑफिस की सफाई हो चुकी है, एंड अब लोग जा रहे अपने घर की तरफ। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। ये हुई ना बात, मतलब शक्ल तो वही सोचा था उसी टाइम पे दिखी ना, देख के एकदम बढ़िया तरीके से नोना बाबू बन के। बट भाई एक चीज़ है, अभी बज चुके हैं सुबह के 9, एंड आजकल व्लॉग्स अपने बहुत 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 ही ज़्यादा छोटे बन रहे हैं, क्योंकि भाई इधर उधर इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो रखा है ना, इतना ज़्यादा कहने की हद नहीं, कभी बार तो मैं खुद ही इरिटेट हो जाता हूँ कि भाई इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है क्यों हमारा। खैर अब जैसे मैंने उन लोगों को बताया, ऑलमोस्ट बच चुके हैं सुबह के 9, अब लोग नहा धो के एकदम बढ़िया तरीके से नोना बाबू तो बन लिए, बस मेरे बाल हल्के से ख़राब हो गए हैं पता नहीं क्यों, एंड मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अब लोग निकल लेंगे अपने ऑफिस की तरफ। तो फटाफट चलते हैं, चल के सारा सामान वगैरह पैक करते हैं, देखते हैं क्या क्या लेके जाना है, एंड फिर थोड़ी देर में निकल लेते हैं अपन लोग। एंड आई डोंट नो अभी आज भी कितना लोग हो पाएगा, होपफुली आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा बन, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना 5.5-6 मिनट का ही बन रहा, उससे ज़्यादा बन ही नहीं पा रहा व्लॉग। तो भाई अभी ना अपन लोग ऑफिस वगैरह खोल के अपन लोग थोड़ी देर के लिए आए थे मंथा देवी मार्केट, क्योंकि यहाँ से लेना था अपन लोगों ने कुछ सामान, एंड यहाँ पे ना कोई हमको नवे छोले भटूरे वाले भैया दिखे हैं, शिवा छोले भटूरे, वह तो भी मैं कॉफ़ी पी के आ रखा हूँ, एंड इतनी सुबह सुबह उतना हैवी खाने का मन भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे अपन लोगों ने पहली बार ही इनको देखा, बट भाई छोले भटूरे का नाम सुनते ही इतनी ज़्यादा टेम्पटेशन होनी है, देखो ये वाले इतनी ज़्यादा मन तो कर रहा है कि फटाफट, एक तो यार इन्होंने तंदूर लगा रखा है तंदूरी ना नेक्स्ट लेवल की। एंड अभी ना तो उन लोगों को रास्ता दोबारा से दिखाता हूँ भाई, मैं मेरे हिसाब से 1 महीने बाद इस वाले एरिया में आ रहा हूँ, एंड अभी तक वो रास्ता रिपेयर नहीं हुआ। 2 मिनट मेरे को पहले इसको थोड़ा सा खोलने दो ट्राइपॉड को, ताकि सर तुमको बिल्कुल वाइड एंगल से दिखेगा, एंड वीडियो बंद करके दोबारा से दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं। बच्चा क्या करने पे लग रखा है भाई, इसके साथ खेल रहे हैं आराम से, एंड ये हालत है, कुछ इस प्रकार की हालत है यहाँ की, अभी तक ये रोड रिपेयर नहीं हुई। थोड़ा सा आगे चलकर दिखाता हूँ, मतलब अपन लोग भी यहाँ को एक रास्ता है, मतलब घरों घरों के बीच में वहाँ से आए, कुछ इस हिसाब की हालत है यार, इस बार ज़्यादा ही तबाही कर दी, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, पानी अभी तक बह ही जा रहा है। लास्ट टाइम जब यहाँ पे आ रहा तब तो यहाँ यहाँ तक पानी आ रखा था बिल्कुल, तब ये सारी सड़क बहेगी। एंड भाई मेरे को ना सबसे सही हरकत उस बच्चे की लगी, जेड़ा वहाँ पे आराम से उसको रेडी सी बना रहा था, उसको कोई फर्क नहीं, पुलिस वालों ने इस करके लगा रखा भी कोई इस रास्ते पे ना आए, मतलब गलती से भी ना आ जाए, बट भाई उसको कोई फर्क नहीं, उसने इधर को कर दिया। मैं सोच रहा हूँ अपन लोग इसको थोड़ा सा बीच में वो कर दे, ताकि थोड़ी सेफ्टी बरकरार रहे। हाँ कर ही देता हूँ भाई, क्योंकि उसने तो शैतानी कर दी, कभी ये ना हो उसके शैतानी के चक्कर में किसी का नुकसान हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा ठीक है भाई, बस इसी बात की टेंशन नहीं, कभी उसके शैतानी के चक्कर में किसी बेचारे का नुकसान ना हो जी। ओ हो भाई, ये फुल चार्ज पे तो इतनी प्यारी रोशनी करती है ना, इतनी ज्यादा कहने की हद नहीं, मजा आ जाता है इसके साथ ब्लॉक करके। क्या
अभी बज चुके हैं रात के 9। अपन लोग थक हार के चकना चूर होके घर तो वापस आ गए थे। घर आते अपन लोगों ने डिनर करा। लास्ट टाइम था क्या इस व्लॉग में, पता नहीं यार, यार ही रहता सोचने दो क्या था। अरे हाँ, हमारे लंच का था। लंच के बाद अपन लोग वापस से ऑफिस चले गए थे, फिर उसके बाद अपन लोग घर आए। क्या अभी बज चुके हैं, जैसे मैं तुम लोग बताया, रात के 9:30। एंड अभी का सीन कुछ इस प्रकार है, अभी मैं और पापा जा रहे हैं मार्केट तक तनिक आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि आइसक्रीम खावत खाने की तलब बहुत रही है। एंड मैं बिहारी या जून की भाषा जो कभी एक्सेंट है बिल्कुल बेकार बोलता हूँ, एकदम थर्ड था। पुंडी पे बैठ के अच्छा सा लग रहा है, कम्फर्टेबल सा लग रहा है, ऐसे बढ़िया आते हैं ना पुंडी पे। चलो भी फटाफट चलते हैं, चल के बढ़िया तरीके से अपनी आइसक्रीम कलेक्ट करते हैं, बढ़िया सी सटल सी वनीला फ्लेवर, साथ में गौ माता को रोटी भी दे देंगे रस्ते में, क्योंकि आज बच गई रोटी। हाँ तो चलो भाई चलते हैं, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या थकावट फालतू की होगी यार। भाई आइसक्रीम तो अपन लोगों ने ली सो ली, उसके साथ साथ अपन लोगों ने पुडिंग भी ली है, तो मैं तुम लोगों को हल्की स्नीक पीक दिखा रहा हूँ। ओह कितनी प्यारी लग रही है अपनी पुडिंग। एक पुडिंग थी जेडी शिनचैन खाया करता था, एक है जेडी अब हम लोग खाएंगे। तो भी अपना घर उधर वाली साइड है, फटाफट अब घर पहुंच के इसको लपेटते हैं, बताते हैं तुम लोगों को कैसा टेस्ट है। फिर जिम हिट करेंगे कि हमने जिम जाना है, हफ्ता का आइसक्रीम खाएंगे फिर हफ्ता।